भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ और उनके अनमोल विचार हम सदियों से अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। श्री कृष्ण का हर एक सुविचार अनमोल है। उनके कहे विचारों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएंगी। हम हमेशा खुशी से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हो या फिर किसी कहानी में सुने हो, आज के जमाने के लिए भी उतने ही अनुरूप और योग्य है। इन विचारों को सुनना और उन पे अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी व्यक्ति ने कहा हुआ कोई कोट हो या फिर कोई मोटिवेशनल कोट्स हो, उनका सही उपयोग करने के बाद ही हमें उनका असली मतलब समाज में आता है। ज्ञानी पंडित, आज के इस पोस्ट में आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार लेके आया है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी, जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य के जन्म मरण के चक्र की खूबसूरत व्याख्या की है और मनुष्य को इस संसार रूपी मोह से निकालकर मोक्ष प्राप्ति का सूत्र बताया है। वहीं हम आपको अपने इस आर्टिकल में भगवान श्री कृष्ण के कुछ उत्तम विचारों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसे पढ़कर न सिर्फ आप लोगों के मन में अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होगा, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। इसके साथ ही जीवन जीने की सही कला के बारे में ज्ञात हो सकेगा। वहीं आप श्री कृष्णा के इन सर्वश्रेष्ठ विचारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों, परिजनों एवं करीबियों से श्री कृष्ण के इन विचारों पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वे एक श्रेष्ठ जीवन का निर्वहन कर सकें। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्याधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है, उससे मत डरो, जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करना चाहिए।
इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाप करता रहता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं, जिन्हें अगर सही मायने में व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह अपने जीवन के तमाम दुख और परेशानी से छुटकारा पाकर सुखमय जीवन जी सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। इंसान अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना प्रायः छोटा बड़ा मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम